वेलकम बैक माय चैनल। और अभी है बारिश का मौसम, और बारिश के मौसम में बैगन का भरता, वाह क्या बात है। तो आज हम बनाएंगे बैगन का भरता। तो मेरे वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। तो चलिए हम बनाते हैं बैगन का भरता। बैगन का भरता बनाने के लिए मैंने लिए हैं 2 बैगन, 3 बड़े बड़े टमाटर, स्वाद अनुसार नमक, बारीक कटी हुई धनिया पत्ती, बारीक कटा हुआ प्याज, 1 बड़ा प्याज, सरसों का तेल, 1 हरी मिर्च, लहसुन बिना छिलका उतारे जिसे मैं तवे पे भूनूंगी, और बारीक कटी हुई अदरक। तो चलिए अब हम भरते की तैयारी करते हैं। बैगन का भरता बनाने के लिए मैंने बैगन को सीधे गैस की आंच पे भूना है। आप चाहे तो जाली का भी उपयोग कर सकते हैं। फिर मैंने तवा गर्म किया है, उस पर मैंने लहसुन और मिर्च को भी अच्छी तरह भून लिया है, और ये हमारे लहसुन और मिर्च भून रहे हैं। अब हम भुने हुए लहसुन और मिर्च को प्लेट में निकाल लेंगे। और इस तरह से भुने हुए लहसुन और मिर्च का स्वाद भरते में बहुत अच्छा आता है। अब तवे को हम दूसरी साइड रख देंगे और इस पे दूसरा बैगन पकने के लिए रख देंगे। और बैगन को पकाते समय मैंने बैगन पे ना कोई तेल लगाया है और कुछ भी, मैंने इस पे कोई भी ऑयल यूज नहीं किया है। अब हम जब तक हमारे बैगन पक रहे हैं हम लहसुन का छिलका उतार लेंगे। और ये हमारे लहसुन का छिलका उतार लिया है हमने। अब इस लहसुन और मिर्च को हम बारीक बारीक काट लेंगे। और ये बैगन लगभग पक गए हैं, देखिए लग रहे हैं ना जैसे आग पे भुना हो, उपले की आग पे। अब हम अपने टमाटरों को भी इसी तरह से भुनेंगे। और इस बैगन के भरते में बिल्कुल गांव का स्वाद आता है दोस्तों। ऐसा लगता है कि जैसे ये लकड़ी की आग पे भुने हुए बैगन और टमाटर हों। बहुत स्वादिष्ट, बहुत टेस्टी। और ये हमारे बैगन पक गए हैं। अब हम दूसरी साइड भी टमाटर को भुनेंगे थोड़ी सावधानी पूर्वक, चिमटे की मदद से। और अगर आप सोच रहे होंगे कि गैस का बर्नर गंदा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। आप बैगन और टमाटर भुनने के बाद फटाफट गैस के बर्नर को साफ कर दें किसी ब्रश की मदद से, तो ये आसानी से साफ हो जाते हैं। और ये देखिए हमारे बैगन और टमाटर भुन गए हैं। हाँ, बैगन का भरता बनाने समय आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि बैगन बिल्कुल अच्छा हो, उसमें कोई छेद ना हो, क्योंकि बैगन में कभी कभी कीड़े निकलते हैं। तो आप थोड़ा ध्यान से बैगन का भरता बनाएं। बैगन और टमाटर को अच्छी तरह से साफ कर लें, इसके ऊपर का छिलका उतार लें। अब इसे हम मैश करेंगे। मैं ग्लास की मदद से बैगन और टमाटर को मैश कर रही हूँ। अगर आपके यहाँ कोई मैशर नहीं है तो आप भी ग्लास का यूज़ कर सकते हैं।
और ये हमारे बैंगन और टमाटर मैश हो चुके हैं। इसमें हम भुनी हुई लहसुन और मिर्च, अदरक, धनिया पत्ती और प्याज, सरसों का तेल और स्वाद अनुसार नमक मिक्स करेंगे। और ये देखिए हमारे बैंगन का भरता हो गया है तैयार खाने के लिए। आप इसे रोटी, पराठा, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, लेकिन लिट्टियों के साथ इसका स्वाद बिल्कुल अलग आता है। तो आप मेरी नेक्स्ट ब्लॉग में लिट्टी की रेसिपी देखना भी ना भूलें। और ये देखिए बैंगन का भरता हो गया है तैयार और इसे हम गर्मा गर्म लिट्टियों के साथ सर्व करेंगे। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।